इसराइल में शाये होने वाली एक नई तालीमी तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि इसराइली नौजवानों और रियासत व उसके इदारों के दरमियान एतमाद का संगीन बहरान पैदा हो गया। एतमाद का फकदान उस कदर बढ़ गया है कि नौजवानों की अक्सरियत और यानी 54% नौजवान इसराइल से निकलने पर गौर कर रहे हैं। मुल्क के अंदर खराबियां ज्यादा हो गई हैं और लोगों में ज्याती अदम तहफ़ का एहसास बढ़ता जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ये तहकीक तेल अबीब और जाफा में रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से की गई थी। ये इदारा मुख्तलिफ सरकारी वजारतों को अपनी खिदमात फराहम करता है। इस तहकीक में नौजवानों की आबादी और रियासत के दरमियान ताल्लुकात को मापने की कोशिश की गई। तहकीक के नतायज से पता चलता है कि 52% नौजवान महसूस करते हैं कि रियासत इम्तियाजी सलूक की पॉलिसी पर अमल पेरा है।